हमीरपुर जिला की बमसन विकास खंड की पंजोत पंचायत में लाखों रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। पंजोत पंचायत के छौबाट में हो रहे विकास कार्यों से जहां लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो वहीं विकास कार्यों को मनरेगा के माध्यम से करवाने के चलते क्षेत्र के लोगों को घर द्वार पर रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। छौबाट के निवासियों की माने तो पंचायत प्रतिनिधियों ने विकास कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए स्थानीय लोगों की कमेटी को गठित करके काम करवाया जा रहा है और मनरेगा में काम कर रही महिलाओं को रोस्टर के आधार पर काम दिया जा रहा है। पंजोत पंचायत में विकास कार्यों में लाखों रुपए खर्च करके चैनलाइजेशन रास्तों का निर्माण, पानी के टैंकों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं पंचायत में कार्यों में भ्रष्टाचार व मनरेगा दिहाड़ी में धांधली को जनता ने सिरे से नकारा है और इसे क्षेत्र के लोगों के द्वारा पंचायत को बदनाम करने की कोशिशों को शर्मनाक करार दिया है। पंजोत पंचायत में विकास कार्यों को लेकर पंचायत के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों ने बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को करवाया जा रहा है और दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विकास में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। महिला बीना देवी ने बताया कि उनके घर के रास्ते की हालत काफी दयनीय हो गई थी, जिसे पंचायत ने मनरेगा के माध्यम से ठीक करवाया और मनरेगा में काम के चलते उनकी आर्थिकी भी मजबूत हो रही है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा लगाए जा रहे भेदभाव व धांधली के आरोपों में कोई भी सत्यता नहीं है। मैं पंजोत पंचायत की मेंबर हूं, वार्ड नंबर 1 से। हमारा पूरा काम ठीक ठाक चलता है। मैं अकेली हूँ घर में, मेरे बच्चे बाहर हैं, नरेगा में काम करती हूँ। 2014 में मेरे दो कमरे गिरे, भैंस अंदर मरी, मेरे गांव प्रधान पंच ने सहयोग दिया, तभी रास्ता घर को निकाला। अंदर बंद थे हम, उस टाइम तो जिस आदमी ने ऐसी रिपोर्टें की वो तो घर से निकला नहीं। अभी हम जो जैसे अभी खेती, उस टाइम 2014 की बर्बाद हुई थी, खेतों में खड़ बढ़ गई थी। प्रधानों से रिक्वेस्ट की कि ये लगाओ, हम सब ना, हमारा भी सहयोग रहा, प्रधान और उप प्रधान ने भी सहयोग दिया, तभी लग रहे। अगर अकेले ये लगाना चाहते, हम जेसीपी नहीं आने देते तो कैसे हो सकती, कितने खेत बर्बाद हुए। तो ज्यादा किस लिए बोलना, बच्चे मेरे बारे में, हम और बहू और मैं घर पर हूँ, तो हमारे प्रधान उप प्रधान अकेली औरत के लिए रात 12 बजे बोल दें कि मेरे घर में एक आवाज आई, तभी भी खड़े हो जाते हैं, पड़ोसी भी, प्रधान भी, वार्ड पंच भी, उप प्रधान भी, सभी। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा पैसा कहीं नहीं जाता। मेरी उम्र 60 साल है, जो मेरे खाते में चेक करें। वहीं पंजोत पंचायत की पूर्व प्रधान रमा चौहान ने कहा कि छौबाट में महिलाओं के द्वारा मनरेगा के माध्यम से विकास कार्यों में अपनी सहभागिता निभाई जा रही है और विकास कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मस्टॉल के तहत जितनी भी मानदेय महिलाओं का बनता है, उसे सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक खातों में डाला जाता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों में ग्रामवासियों के द्वारा अपना सहयोग भी दिया जा रहा है, ताकि पंचायत का चहुमुखी विकास हो सके। मेरा नाम रमा चौहान है, मैं इस पंजोत पंचायत की प्रथम भी और पूर्व भी हूँ। ऐसा है, जो हमारे मनरेगा के काम आ रहे हैं, हमारे छांव गांव की जो महिलाएं हैं, सब अपना अपना जिसका काम लगता है, जिसका मस्टॉल आता है, हम सब महिलाएं मिलके काम करती हैं। थोड़ा हो, ज़्यादा हो, कम हो, कितना भी हो, और जो पैसा है हमारा मनरेगा का, वो हमारे अकाउंट में आता है। हम उसको खर्च अपने लिए खर्च करते हैं, अपने इसलिए सारे पैसे को खर्च करते हैं। और दूसरा, जो जनहित का कार्य लगा हुआ है, उसमें लगाते हैं, सब महिलाएं जाती हैं, जिसका काम लगा है उसके परिवार के सदस्य भी जाते हैं, उसके जो मस्टॉल में मेंबर रह जाएं तो गांव के भी हम मस्टॉल लगाते हैं, और जो पैसा है सारा वो हमारे खाते में आता है। अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, या बड़ा स्टोन है, पत्थर है, या कोई और बड़ी चीज़ है, तो हम अपनी जेब से पैसा दे करके लेबर वाले को साथ ले जाते हैं, तो थोड़ा सा काम करवा के उसको पैसे हम अपनी जेब से देते हैं, ना कि पंचायत देती है, ना कि वार्ड पंच देता है, ना उप प्रधान देता है, वो हम अपना देते हैं। और हमारा जो उपजाऊ भूमि है, उसका बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है,
उस कटाव के लिए हमने पंचायत से रिक्वेस्ट की थी कि हमें जनहित में ही दे दो ये कार्य। ये जो डंगे लगे हैं तारों वाले, तो इसमें हमें लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा? वहां से फोटो ले लो आप, कितनी बड़े स्टोन है। तो ये हमसे नहीं उठा, हम तीन तीन महिलाएं लगती है तब नहीं उठाए जाते हैं, लेकिन हम मेंबर लगा आदमी लगाते हैं, उसको अपनी जेब से हम पैसा देते हैं। हम किसी को, और किसी को ये हक भी नहीं है कि जो हमारा मनरेगा का पैसा आता है वो हमसे कोई सवाल करे। दूसरी बात बेटा, मैं ये बोलना चाहती हूँ डीसी साहब को, अपने को, कि आप ये बताओ कि हम महिलाओं को 100-100 दिन मिलेगा या ना मिलेगा, और जो पैसा हमारा आता है उसको किसने किसको हक दिया कि वो हमसे पूछे कि हमारा पैसा कहाँ है, हमने किसको दिया, हम क्यों बताएं? महिलाएं नरेगा का पैसा अपने हस्बैंड को नहीं बताती हैं, क्यों? हमने खुद कमाया, हमारा खर्चा है। तो पंचायत कौन होती है या गांव वाले कौन होते हैं, कुछ ऑब्जेक्शन करता है? ये डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात डीसी साहब से ये है कि हमने 100-100 दिन लेना ही लेना है, एक साल में 100-100 दिन हमने लेना ही लेना है, हमने करना है काम, हम काम करते हैं। तीसरी बात, क्या पंचायत का मेंबर बनता है उसके घर में महिलाएं हैं, उनके लिए नरेगा नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट मना करती है कि प्रधान की जो मिसेज है, बहन है, बेटी है, पांच की ऊपर धान की, क्या वो नहीं नरेगा लगा सकती? हाँ, 100 दिन के बजाय उन्होंने अगर 120 दिन उनके लगा दिए तो फिर हम उनको पूछ सकते हैं। और हमने 6 गांव में बहुत अच्छे हमारे कार्य हुए, जनहित के कार्य हुए। नीचे हमने सराय बनाई, उसने हमने खुद सहयोग दिया, चाहे थोड़ा दिया मता ज्यादा दिया। शमशान घाट बना, वहां भी हम लोगों ने जेब से पैसे दिए, सहयोग दिया, तब बना वो। दूसरी सराय बनी है, उसको पूरे गांव वालों ने पैसे दिए, हमने सरकार से कोई पैसे नहीं लिए, वो बनाया। अब ये लोग क्या चाहते हैं? जो हमारी शिकायत कर रहे हैं वो लोग चाहते क्या हैं? डीसी साहब से हम ये पूछना चाहती हैं, हमारी 6 गांव की महिला मंडल की महिलाएं, कि तकलीफ क्या है किसको? हम नहीं बताएंगे हमारा पैसा कहाँ जाता है, हम खर्च करती हैं। हम जो घर का सुबह उठ के घर का सारा काम करके बच्चों को पति को हर एक खाना पीना दे करके हम नरेगा पे जाते हैं, 5 बजे जाके हम फिर घर संभालती हैं। तो किसको, किसने हक दिया हमारे नरेगा के पैसे को पूछने वाला कौन है? और आपकी दिहाड़ियां कितनी लगी कितनी नहीं लगी वो हम पंचायत से मांगते हैं, एप्लीकेशन पंचायत में देते हैं बेटा, वहां से लेते हैं हम। हाँ, 5 लाख वाला भी है, दूसरा भी है, हमने बनाए नहीं है। क्यों? मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन मेरे बेटे और बहू जो है वो प्राइवेट जॉब में है, शायद वो बनाएंगे, वो भी आती हैं, हम भी आते थे, ऐसा नहीं, मैं भी जाती हूँ नरेगा पे, मेरा भी मुश्तौला, जब मेरा काम लगेगा तो अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो काम नहीं होगा, कोई महिला नहीं आएगी फिर। और हमारे 6 गांव में महिला मंडल की प्रधान हूँ, और अपनी पंचायत में आती जाती रहती हूँ, हर एक वार्ड का पता है मुझे, हर एक आदमी से मिलती हूँ मैं। हमारे काम इतने अच्छे हुए, और इतना अच्छा हमारा उपप्रधान है और प्रधान जी हैं, जब भी हमने कुछ चीज मांगी कि हमें ये जरूरत है, हमने डंगा देना है, हमारी जमीन, हमारी जो उपजाऊ जमीन है वो सारा भूमि कटान हो रहा है उसका, तो जनहित में दिए हमने, हमने खुद काम किया। नरेगा में काम कर रही महिलाएं रेनू शशिकला ने कहा कि पंचायत में मनरेगा के तहत उन्हें 100 दिन का काम मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिकी मजबूत हो रही है, और पंचायत में मस्ट्रॉल के अनुसार ही काम का आवंटन व दिहाड़ी दी जा रही है। उन्होंने पंचायत में विकास कार्यों को ठेकेदार के माध्यम से करवाए जाने के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि महिलाओं द्वारा हर काम किया जा रहा है और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। पंचायत के ही कार्य हैं सर, जो मनरेगा के काम होते हैं उसके द्वारा बन रहा है ये, और उनके काम चले हुए हैं और अच्छे काम हो रहे हैं हमारी पंचायत के। सारे गांव में किसी के टैंक बने हैं, किसी के डंगे का काम, जैसा खेतों में ये डंगे के काम चल रहे हैं जी। सर मेरे को 2-3 महीने हो गए नरेगा में जी। सर ठेकेदारी से क्यों कराया जाएगा? ठेकेदारी पे कोई काम नहीं है, ये जो काम हो रहा है इसका जो भी पैसा आता है वो सर हमें मिलता है। सर फायदा ही है इससे, जो भी पैसा आ रहा है थोड़ा बहुत उससे हमारी मदद होती है, और हमारे गांव में अच्छे काम चल रहे हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे खेत पे, यहाँ पे पानी आता है तो ये खेत का भी बचाव हो रहा है, ये जो डंगे डुंगे बन रहे हैं, और गांव में रास्तों के भी काम हुए हैं, तो उससे गांव वालों को फायदा ही है, काफ़ी सहूलत है। नहीं सर दिहाड़ी ठीक ही है, पहले से तो अब ठीक हो गई है, पहले थी भी थोड़ी कम लेकिन अब ठीक है सर।
सर काफी संतुष्ट है, हमारी पंचायत में तो बहुत अच्छे काम चले हुए हैं। हाँ कुछ लोग हैं बीच में जो चाहते हैं कि यहाँ किसी का देखना नहीं चाहते कि तरक्की हो रही है सर, गांव की काम हो रहे हैं, तो वो बीच में कुछ करते हैं पंगा, उल्टे सीधे बोलते हैं, कुछ ना कुछ बयान देते हैं कि हाँ इनके पंचायत में ऐसा वैसा, लेकिन हमें कुछ नहीं लगता सर। हमारे यहाँ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, गाँव में भी काफी काम हुए, रास्ते बने, टैंक बने, सब कुछ काम चल रहे हैं। सर यहाँ पे बहुत काम, अच्छा काम हो रहा है सर। जैसे डंगे दे रहे हैं, खातरियाँ बनी है हमारी, टैंक बने हैं, इसमें हम काम कर रहे हैं सर, इसमें हमारी दिहाड़ियाँ लग रही है सर। इससे बहुत अच्छा फायदा है सर, हमारा रोजगार चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, घर का काम चल रहा है। बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं, इससे हमारा घर का काम चल रहा है। इसमें जैसे कोई कमा नहीं रहा है तो हमारे को जो पैसा मिल रहा है, हमारी आमदनी चल रही है इससे। हाँ जी, तो इसमें हमारे खेत भी बचा हो रहे हैं, साथ में हम खुद काम कर रहे हैं, हमारे अकाउंट में आ जाती है तो हम इसका यूज करते हैं। कितने संतुष्ट हैं कि जो सिद्ध हो रहा सर, पहले तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई डंगे नहीं लगते थे, कोई टैंक नहीं बनते थे, इसमें अपना पैसा लगता था। अब सरकार की मदद मिल रही है, इसमें हम इसका लाभ उठा रहे हैं सर। कितने संतुष्ट हैं क्योंकि प्रधान जी ने जो आपके बने इसमें बहुत हेल्प हो रही है सर, जितने मतलब सरकार के थ्रू हमारे को पैसा मिलता है, उसमें हम अब अपना खर्चा भी उठा रहे हैं, अपने घर से भी लगा रहे कुछ पैसा। पंचायत के उपप्रधान अमरनाथ ने कहा कि पंचायत में सरकार की योजनाओं के तहत विभिन्न कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया जा रहा है और योजना के लाभार्थियों को योजना की विस्तृत जानकारी देने के बाद काम करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों में बिना किसी भेदभाव के काम करवाया जा रहा है और भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए स्थानीय कमेटियों को गठित कर समय समय पर निरीक्षण व गुणवत्ता पर भी नजर रखी जाती है। उन्होंने कहा कि पंचायत ने विकास कार्यों में नए आयाम स्थापित। अमना जी, विकास कार्य जो पंचायत में हो रहे हैं इसमें सर, पहले हमारा जो पंचायत का जो कार्य प्रणाली है ना सर, हम जिस भी इंडिविजुअल का कार्य होता है उसको हम काउंसलिंग करते हैं, गांव में आके या पंचायत में बुला के उनको काउंसलिंग करते हैं, भई आपको ये फंडिंग है, इतना पैसा मिलेगा, इतना काम आपने करना है और इतनी हमें प्रोग्रेस चाहिए। तो प्रधान जी हमारे मौके पे आते हैं, काउंसलिंग करते हैं, हर इंडिविजुअल को कॉल करते हैं और टाइम टू टाइम मैं भी इन चीज़ों को कॉल करता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ भी क्या काम हुए हैं, कैसे हो रहे हैं। हमारी पंचायत जो है इस टाइम सारे काफ़ी भीरपुर में डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी आगे पहुंच चुकी है और ये सिर्फ हमारा सहयोग है, समझो आप, प्रधान का हमारा हमेरा योग, पूरी पंचायत का योग, पूरे प्रशासन का योग चाहिए हमें। हमने इतने प्रशासनिक कार्य करवाए, इतने काम करवाए रखे हैं कि आप ग्राउंड पे देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भी इसमें ये त्रुटियां हो रही हैं, घपला हो रहा है, पैसे खाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी काम नहीं हो, सारे काम मजदूरों के माध्यम से कराए जा रहे हैं, इसमें किसी का भी कोई रोल नहीं है सर। मजदूरों के खातों में पैसे जाते हैं, वो अपना लेते हैं और देख आपके सामने सर सारे काम हो रहे हैं। जो किसी भी आदमी ने इसका मुद्दा उठा रखा है वो मेरे निजी रंज से, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये प्रधान उपप्रधान चुन के जाए। मुझे सर्वसम्मति से बाढ़ छाव जब हमारे इधर फंक्शन हो रहा था, मुझे सर्वसम्मति खड़ा करके उन्होंने कहा कि नेक्स्ट से आप इस वार्ड को संभालेंगे। मैंने इनकार किया कि नहीं, मैं एक क्लास 2 पोस्ट से रिटायर हूँ, मैं नहीं इस काम को करूँगा। तब भी इन्होंने कहा नहीं, हमने आपको चुन दिया है, आप जाएंगे और अपना काम करेंगे। तो मैंने इसको अपने कंधों पर उठाया और मैं सोशल वर्क करूँ सर। ये कहीं भी पूछ लो, यहाँ बैठी हुई लेडीज आएंगे, प्रमिला देवी है, प्रमिला देवी से आप पूछ सकते हैं। मैं पेंशन का काम करता हूँ, बड़े फौजी विधवाओं का, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाभदायक है सर। मैं आपको बताना नहीं चाहता परंतु मैं रखना चाहता हूँ फैक्ट आपके सामने। 2014 में जब हमारे इस बंशन में बादल फटा था, और ये हमारा गारा है ऊपर सर, इसमें बादल फटा था, तो एक खेत में कम से कम 30 फीट गड्ढा हो गया था, पूरा का पूरा खेत जो है ना टूट गया सर, और पूरी जहाँ 20 कनाल भूमि थी ना वो खंडहर बन गई। तो वहां से प्रशासन आया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोला इस कार्य को हम नहीं साफ करवा सकते, ये मेरे गांव के आदमी खड़े हैं, आप किसी से भी इसके वर्जन ले सकते हैं। जब मैं वार्ड पंच चुन के आया, आज आप चलिए एक पत्थर नहीं आप गारे में देख सकते हैं, वो मेरी खुद की अपनी इससे मैंने उस काम को अंजाम दिया। पंचायत हमारी इस टाइम जो है ना कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई उसमें आप उसको ऊपर लांछन नहीं लगा सकते हैं।
पारदर्शिता हमारी पंचायत काम कर रही है। अगर आपको ये देखना होगा, ये पूछ लो, किसी से पूछ सकती हैं आप। ये खड़े हैं लोग कि उस गुगारे को मैंने 1,00,000 रुपए में कैसे बिकवाया, और खेत भी वो सारा चरण एक ही है, उसको RCC लुवाई इंडिविजुअल से, और हमने भी खुद जो हमारे खेत टूटे थे उनमें RCC लुवाई, और फर्दर के लिए उसका डैमेज बिल्कुल टोटली बंद हो गया। तो हम तो उस ढंग से पंचायत में कार्य कर रहे हैं, जो जैसे हमने अपने गांव में कर रहे हैं वैसे हम पूरी पंचायत में काम कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अनियमितता नहीं है। लोग रिजिडेंस से मेरे साथ को निकाल रहे हैं, तो वो पंचायत को बदनाम कर रहे हैं, प्रशासन को बदनाम कर रहे हैं, अधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं, बहुत सारा। जो भी सर 5 साल पहले या अभी 1 साल जो हमने अपनी मांगे रखी, वो प्रशासन ने हमारी मांगी और उनको हमने धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश की है। करम सिंह ने बताया कि उन्होंने जो पहली स्टेटमेंट दी थी वह गलत हो गई थी, उस वक्त वह ड्राइविंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत में जो भी कार्य हो रहा है वह मनरेगा के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रधान द्वारा पूरी पंचायत का संपूर्ण विकास करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में काम करने के बाद जो जॉब कार्ड बने हैं उन्हीं में उनकी दिहाड़ी के पैसे उनके अकाउंट में सीधे आते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पंचायत में किसी भी तरह की कोई भ्रष्टाचार नहीं है और यहाँ पर सभी कार्य पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं। 14 तारीख को मेरी स्टेटमेंट गलत हो गई थी, मैं ड्राइवरी कर रहा था ना जी। अच्छा जी। तो जो भी काम हो रहे हैं वो नरेगा के तहत ही हो रहे हैं और पंचायत प्रधान काम करवा रहे हैं और काम अच्छी तरह से हो रहे हैं, इसमें कोई भी दूसरी राय कोई नहीं है हमारी। और हमारे जॉब कार्ड में पैसे आते हैं और हमारे पास ही रहते हैं, बाकी कोई अफर नहीं। पंचायत के ऊपर बहुत काम हो रहे हैं, हम संतुष्ट हैं। नहीं, वो गलत बात है जी, वो गलत बात है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, यहाँ अच्छा काम हो रहा है। नरेगा के तहत बहुत काम हुआ जी, बहुत टैंकों के काम, खातरियों के काम, रास्तों के काम, डंगों के काम, जमीन बची हुई हमारी है। वहीं ग्रामवासी हाकम चंद ने बताया कि पंचायत में सभी कार्य मनरेगा के तहत किया जा रहा है। उन्हें कहा कि पंचायत प्रधान उप प्रधान का आभार प्रकट करते हैं कि इतना विकास उनकी पंचायत में करवाया जा रहा है। इससे पहले कभी भी ऐसा काम देखने को नहीं मिला था, जो इस बार पंचायत ने काम करवाए हैं वो बेहतरीन है। नरेगा के थ्रू कोई ठेकेदार नहीं रहती, नरेगा के थे ठेकेदार भी कि सब बीती नहीं कितने बेचारेगा, बड़ा अच्छा काम किया। हम तो पंचायत प्रधान को धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छा काम किया। क्या मत तुम, मैं समझा नहीं थी सड़क सड़कें काफी दिनों से थी जी, बचपन से समझ लो इनके। आज तक कहाँ बना था, जब हमारी 80 साल उम्र हो गई, हमने आज तक यहाँ पे रोड नहीं देखा था। धन्यवाद करेंगे। कल्पना देवी ने बताया कि पंचायत के प्रधान और उपप्रधान ने मनरेगा के तहत पूरी पंचायत का संपूर्ण विकास किया है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अपनी निजी रंजिश के चलते पंचायत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस गांव में लगभग 70 घर हैं, केवल एक व्यक्ति ही अपनी घटिया मानसिकता के कारण पंचायत को बदनाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक पंचायत के काम की बात है तो इससे पहले भी कई प्रधान बने लेकिन ऐसा विकास नहीं करवा पाए जो इस पंचायत में हो रहा है। वनिता देवी, और हमें ये सड़क उप प्रधान और प्रधान और पूरी पंचायत का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। और इन और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा उठाया, लेकिन मतलब बिना झूठ ऐसे मतलब एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, और हम बहुत धन्यवाद करते हैं इनका कि इन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। ने बताया कि उनके घर को जाने वाले कई सालों से रास्ते की दिक्कत थी, जिसे इस पंचायत के प्रधान और उपप्रधान ने मनरेगा के तहत सड़क बनवाकर दूर किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रधान उपप्रधान का हर काम में उन्हें भरपूर सहयोग मिलता है और अभी आगे की सड़क का प्रस्ताव भी पंचायत ने डाल दिया है और उसे भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी ऐसा काम नहीं देखा है जो इस पंचायत के प्रधान उपप्रधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी पंचायत में एक समान जो विकास कार्य हैं वो करवाए जा रहे हैं। भैया 16-17 साल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और हमारे साथ बुजुर्ग रहते हैं, इनको ले जाने में
दिक्कत बहुत, और ये नरेगा के तहत सारा कार्य वो अच्छे से इन्होंने प्रधान जी ने और उप प्रधान जी ने हमारा बहुत सहयोग दिया इसमें, और भी प्रपोजल डाला है हमने आगे के लिए, और आगे के लिए डाला हुआ इन्होंने काफी सहयोग दिया हमारा, और आगे ये जो बचा है आगे का काफी एरिया इसमें अभी दिक्कत है पर मगर कर रहे कार्य, वो उसमें सहयोग कर रहे हैं हमारा, बहुत अच्छा कार्य किया इन्होंने हमारा, हर टाइम सहयोग करते थे ये।